हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम यहाँ पर 7 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना जो स्कीम है वो शुरू की है? तो ये शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा डी, लंच बॉक्स स्कीम जो है ये तेलंगाना में शुरू की गई। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पोषण भोजन जो है वो यहाँ पर प्रदान करेगी। इस योजना से उन गांवों की महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं और पौष्टिक भोजन का खर्च उठा नहीं सकती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम जो है ये शुरुआत की है तेलंगाना की सरकार ने, लंच बॉक्स स्कीम। जब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, सीएम है के शेखर चंद्र राव और यहाँ पर गवर्नर हैं तिमिली साई सुंदर राजन। स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। राजकीय पशु है हिरण, जिंका जिसे कहते हैं, और राष्ट्रीय वृक्ष है यहाँ पर इंडियन रोलर जिसे हम यहाँ पर पला पिता भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष है यहाँ पर जमी चेट्टू। जो आप मैप देख रहे हैं ये है तेलंगाना का मैप। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, देखो पहला तो है आंध्र प्रदेश, दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा छत्तीसगढ़। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। हैदराबाद कहाँ है, तो देखो हैदराबाद यहाँ पर, ये रहा हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैदराबाद है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश है, यहाँ पर कंट्री है वो बन गया है? तो ये बना है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा सी, आपका यहाँ पर राइट होगा चीन। अमेरिका के बाद चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने 1969 में मानवयुक्त अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहला झंडा फहराया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है CNSA, इन्होंने चंद्रमा पर फहराए गए अपने झंडे का फोटो शेयर किया जो कि चांग 5 स्पेसक्राफ्ट से लिया गया है। पृथ्वी चंद्रमा का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि नेचुरल जो सैटेलाइट आप कह सकते हो, पर्टिकुलर अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो। चीन के बारे में बात कर लेते हैं, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, राष्ट्रीय राष्ट्रपति है यहाँ पर सी जिनपिंग, और चीन जो है भारत के बीच अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर जो बॉर्डर लाइन है वो भी शेयर करता है, इसका नाम है मैकमोहन। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी जो लंबाई है वो है 6300 किलोमीटर। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है? तो दिनेश्वर शर्मा हैं, ये हैं लक्षद्वीप के यहाँ पर प्रशासक यहाँ पर रहे हुए हैं, इनका जो निधन है वो यहाँ पर हो गया है। लक्षद्वीप की बात करें, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ये, और लक्षद्वीप जो है ये बेसिकली अरब सागर में स्थित है और राजधानी है कावारत्ती। अगला, किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? एशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया सी आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर, अदार पुनावाला जो है इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया एशिया ऑफ द ईयर 2020 से। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पुनावाला को एशिया ऑफ द ईयर से सम्मानित नवाजा गया है, यहाँ पर इस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। अदार पुनावाला है COVID-19 की जो महामारी है उससे लड़ने में उनके सहयोग को दिखाते हुए ये जो अवार्ड है वो इन्हें दिया गया। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट है ये, एक ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनिका द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड जो है इसका मास प्रोडक्शन करेगी। हम इंडिया वाले जो हैं ये बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में जाने जाते हैं पूरे विश्व में। इसके अलावा जिन 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है वो चीन के शोधकर्ता है जांग यंगजेन,
चीन के मेजर जनरल है चेन वी, जापान के डॉक्टर रायुची मोरिशिता जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, सिंगापुर के प्रोफेसर है आई इंग एंग, ठीक है, और दक्षिणी कोरिया के कारोबारी हैं यहाँ पर शियो शेंग जीन। चलो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को 1000 लाइक तक ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है। आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है वो मिलता रहना चाहिए, एक मोटिवेशन की तरह कार्य करता है आपका जो प्यार और जो सपोर्ट है, और ये मोटिवेशन की तरह कार्य करता है। आपको जो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया कीजिए, आप ही लोगों के लिए वो क्वेश्चन ऐड किया गया है तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिए। इतालवी फुटबॉल क्लब नेपाली ने किस फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है? तो ये जो फुटबॉल क्लब है यहाँ पर, इसका नाम रखा गया है यहाँ पर डिएगो माराडोना, और डिएगो माराडोना है ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर थे। 25 नवंबर 2020 को डिएगो माराडोना का निधन हो गया था। इतालवी क्लब नेपाल ने माराडोना की श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उनका जो नाम है वो एक स्टेडियम का नाम पर रखा है। ITBP यानी कि इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर, इन्होंने अपने नवजात बेल्जियम मेलिनोइस लड़ाकू कुत्ते का नाम किस भारतीय क्षेत्र के नाम पर रखा है? तो कुत्तों का नाम रखा गया है बी आपका करेक्ट होगा, लद्दाख जो है वहाँ पर इस एरिया में रखा गया है। भारत तिब्बतियन सीमा पुलिस जो है यहाँ पर ITBP ने अपने नवजात बेल्जियम मेलिनोइस लड़ाकू कुत्ते का नाम गलवान, शोक, रेजांग जैसे लद्दाख क्षेत्रों के विभिन्न अहम भौगोलिक स्थानों के नाम पर रखा गया है। ITBP की बात करें, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और यह है भारतीय तिब्बतियन सीमा पुलिस बल। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी और मुख्यालय है यहाँ पर नई दिल्ली में, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल, और मोटो है श्रद्धा, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। IIT वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने। 5 दिसंबर 2020 को IIT 2020 ग्लोबल समिट है, इसका आयोजन किया गया, ठीक है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस शिखर सम्मेलन में पैन IIT USA द्वारा आयोजित किया गया था। समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, आवास, संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे जो मुद्दे हैं इनको यहाँ पर देखा गया। इस बार की जो थीम है वो क्या रखी गई है? द फ्यूचर इज नाउ, ये इस बार की थीम रखी गई है। भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है यहाँ पर पिक्सल, और इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है पिक्सल, इन्होंने यहाँ पर समझौता किया है NSIL। तो पिक्सल ने भारत के बेंगलुरु की प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी यहाँ पर देखने को मिलेगी। NSIL की बात करें, पिक्सल भारत में बेंगलुरु में प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है। इन्होंने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 6 मार्च 2019 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं जी नारायण। द हीरो टू गो कोड लेशन लर्न फ्रॉम लाइव वेल लाइव, ये बुक किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं विलियम एच मैक्रेवेन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। किस देश की डिजिटल करेंसी युआन का प्रयोग कामयाब रहा? तो ये रहा है चीन की। सो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया यहाँ पर। भविष्य की करेंसी जिसे आप यहाँ पर बोलते हो युआन, डिजिटल युआन को भविष्य की करेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कदम था चाइना के द्वारा उठाया गया था। किस राज्य की सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है वेस्ट बंगाल ने। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। इसमें कोरोना वायरस संकट से बीच प्रदेश में नो मास्क नो फ्यूल नाम से भी एक यहाँ पर जो नियम है इसको भी शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है यहाँ पर ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस से आती हैं, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन, पशु है यहाँ पर फिशिंग कैट, और पक्षी है यहाँ पर किंग फिशर, और यहाँ पर वृक्ष है डेबल वृक्ष, और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 42 है, राज्यसभा 16, और यहाँ पर विधानसभा की 294।
6 घंटों में सबसे अधिक चलकर किस खिलाड़ी ने अपना नाम एशिया रिकॉर्ड एकेडमी में दर्ज करवाया है? तो ये दर्ज करवाया है ऑप्शन नंबर बी, जवाहर कार्तिकेयन ने यहाँ पर जो अपना नाम है वो दर्ज कराया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जवाहर कार्तिकेयन ने एशिया रिकॉर्ड एकेडमी में अपना नाम दर्ज कराया है। इन्होंने मेल कैटेगरी में 6 घंटे में सबसे अधिक चलने का कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया है। किस देश में नियोम सिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सऊदी अरब में। यहाँ पर सऊदी अरब की बात करें, एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है रियाद, और यहाँ पर और जो प्रधानमंत्री हैं वो है शाह सलमान, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। फिट इंडिया मूवमेंट, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर कुलदीप हांडू जो है यहाँ पर वो बने हैं, और ये भारतीय वुशु टीम के कोच हैं यहाँ पर। वुशु कोच कुलदीप हांडू को यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के पहले खिलाड़ी बने थे ये। पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा, इन्होंने किस भारतीय अभिनेता को पर्सनल ऑफ द ईयर 2020 से चुना है? तो ये चुना है ऑप्शन नंबर जॉन अब्राहम को। तो पीटा ने पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर ये चुना है जॉन अब्राहम को, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं। आज का आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने है, टेस्ट का क्वेश्चन है। पासिक्स जो एक नेवल एक्सरसाइज है वो किन 2 देशों के बीच में होती है? तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे ताकि आपको एक आइडिया जो है वो आपको पता लग सके कि कौन कौन से जो यहाँ पर युद्धाभ्यास है वो किए जाते हैं सरकार के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक मोटिवेशन जो है मुझे हर हर वक्त देखता है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, ताकि जब यहाँ पर आपका जो प्यार है, जब पता लगता है कि आज इतना ज़्यादा प्यार आया है, तो हमें एक जो मोटिवेशन है ना दिन में आपके लिए वीडियो बनाने की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड सी यू।